कॉल सेंटर लो, सब सेंटर में देखे लाइट की तरफ। चलिए सैमकिट प्रोडक्शन जो है उसके बारे में बताइए कि क्या एसोसिएशन है उसका। ओके सो ये हमारा ग्रैंड मीडिया लॉन्च है मिसेस इंडिया यूनिवर्स सीजन 5 का, और लास्ट सीजन वी हैड इन गोवा, और आज हम लोग इसका ग्रैंड मीडिया लॉन्च कर रहे हैं। और आप लास्ट 5 ईयर से 5 सीजन आप कवर करते आए, आपको ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट मालूम है। सो बेसिकली हम मैरिड वुमेन के लिए ये पैजेंट है, मिसेस इंडिया यूनिवर्स है तो ऑब्वियसली, तो हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से टैलेंट को ढूंढ के लेकर आते हैं अपने शो पे, और उसका ग्रैंड फिनाले होता है, उसकी ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ग्रूमर ट्रेनर, और इसके बाद जो हमारे विनर्स होते हैं वो लोग जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज हम कुछ अराउंड 6 हमारे विनर्स का क्राउनिंग करने वाले हैं, तो उसमें से कुछ लोग मिसेज यूनिवर्स, मिसेज वर्ल्ड वाइड, मिसेज वुमन ऑफ द यूनिवर्स और मिसेज ग्लोब में आज जाने वाले। तो आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है बेसिकली वो क्या आधार क्या होता है जो आपने सेलेक्ट किया जितने कंटेस्टेंट को जितने को क्राउन कर रहे हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दैट? क्राइटेरिया हम लोगों का एज एंड हाइट, देयर इज नो क्राइटेरिया, मतलब लाइक हम लोग हाइट और वेट पे हम लोग काम नहीं करते, हम लोग काम करते हैं उनका पोटेंशियल, उनका जो सोशल एक्टिविटीज़ है कितने वो अपडेटेड है सोशल मीडिया पे या सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। और जब यहाँ पे आते हैं वो प्लेटफॉर्म मिलता है, आगे आप उनसे कितना ज़्यादा मेंटरशिप करते हैं, कितना ज़्यादा गाइड करते हैं आगे अपनी सामने है? ये लास्ट ईयर के विनर है हमारे 2021 के जो आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 2022 में, और कंपटीशन भी काफ़ी टफ है, काफ़ी सारे फैशन शोज हो रहे हैं, काफ़ी सारे ब्यूटी पेजेंट हो रहे हैं, तो उसमें अपने आप को अलग कैसे दिखाने की कोशिश करते हैं आप? सबका अपना अपना अलग प्लेटफॉर्म है, सब अलग अलग ही है, इसमें कुछ अलग दिखाना या कुछ करना, हाँ बस ये हम कह सकते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट हम सर्विसेज, बेस्ट टू बेस्ट ग्रूमिंग सेशन, ट्रेनिंग, ट्रेनर्स लाइक अलिसिया राउत हमारी ऑफिशियल रैंपॉक ट्रेनर है शो के लिए। ब्यूटी पेजेंट तो करते ही हैं, और कुछ ऐसा है प्लान जो आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे कुछ करने वाले हैं ग्लैमर इंडस्ट्री में? सर इसी से ही कार टाइम नहीं मिलता तो आई गेस यही ज़्यादा बेस्ट है। तुषार जी एक सवाल आपसे है कि आपने कहा 5 साल 5th सीजन है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 7 साल हो चुके हैं, बीच में 2 साल कोरोना पीरियड से, आप कितने उससे प्रभावित थे, कितने आपको परेशानियाँ उठानी पड़ी? सर बिल्कुल प्रभावित नहीं थे, आपको हम बता रहे थे कि हमने वर्चुअल पेजेंट किए थे उन 2 सालों में, और हमने 5 सीजन किए उसके, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि लोग जो घर में बैठ के मेंटल ट्रोमा या बहुत सारी चीज़ें जो फैमिली, आप लोगों ने भी, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि किस तरीके से लोगों ने फेस किया है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया वर्चुअल पेजेंट के लिए, जिसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस से लेके वुमन एम्पावरमेंट पर काम किया और सक्सेसफुली 5 सीजन किया। थैंक यू। आइए आपसे आपको मिलाते हैं, आपको हमारे इसी पेशेंट से जुड़े हुए डॉक्टर सागर से। डॉक्टर सागर क्या हैं, क्या खासियत है वो स्वयं बताएंगे। डॉक्टर सागर प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। हिंदी हाँ चलेगा, जैसे मिक्स चलेगा मिक्स। मैं डॉक्टर सागर अभी चंदानी हूँ, डेंटल स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे 2 क्लिनिक्स हैं, एक लोकटवाला में है, एक चेंबूर में है, और जैसे ब्यूटी पैजेंट से हम लोग भी काफ़ी मॉडल्स, पैजेंट के जो फाइनलिस्ट रहते हैं, जो ऑडिशन करने जाते हैं, उनका भी हम स्माइल मेकओवर्स करते हैं, उनके भी डेंटल केयर पार्टनर्स रह चुके हैं, तो इफेक्टिवली हमें पता है कि जो स्टेज पे रहता है, जो कैमरा फेस करता है, जो मीडिया बाइट्स देता है, जो इंटरव्यू देता है, जब वो बात करते हैं तो ऑफकोर्स सब उनके चेहरे को देखते हैं, सब उनके बाल को देखते हैं, उनके अटायर को देखते हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है उनका स्माइल, बिकॉज उनका स्माइल ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे कर सकता है, वो आत्मविश्वास दिखा सकता है, और चेहरे की चमक तो हम कहते ही हैं, बट दांतों की चमक भी चेहरे की चमक को बहुत ही अच्छा फेवरेबल बना सकती है। तो मेरा रोल हर पैजेंट्स में यहाँ पे भी वही है, जहाँ पे मैं उनके चेहरे पे वो मुस्कान लाता हूँ, जहाँ वो स्टेज पे वो मुस्कान ला सकते हैं, जीतने के बाद मुस्कान ला सकते हैं, जब वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब भी मुस्कान ला सकते हैं, और देश को रिप्रेजेंट करने के बाद जब वो जीतते हैं तो पूरा देश मुस्कुराता है। जो विनर्स जाने वाले हैं आगे के शो में उनके लिए आ रही है मिसेस किरण, थैंक यू, सॉरी मिस किरण कोमल किरण,
हाई मीडिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन एंड आप में से कुछ फेसेस एक्चुअली मेरे देखे हुए हैं, आप लोग कहीं जगह आते भी हैं. थैंक यू सो मच स्पेशली फॉर टुडे एंड यस, आई एम अ ग्रूमिंग कोच एंड आई हैव बीन ग्रूमिंग वुमेन गर्ल्स एंड किड्स सिंस मेनी इयर्स. नॉट ओनली ब्यूटी पेजेंट्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव मेकओवर. एंड तुषार जी का वर्क तो मैं इतने टाइम से देख रही हूँ, मतलब 5-6 ईयर्स से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ. इनके साथ एक बार झूठी बस के आई हूँ, एक बार निकलते रेसर में आई हूँ. सो आई नो वन ऑफ द प्रीमियर लीडिंग पेजेंट्स है यहाँ मुंबई में एंड दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क. सो आई ऑलवेज सपोर्टेड दैम एंड विल ऑलवेज सपोर्ट दैम एंड आई विश ऑल द गर्ल्स लक एंड वंस अगेन थैंक यू. थैंक यू. नमस्ते, आई एम प्रिया सत्या, बैंगलोर से भी एंड आई पार्टिसिपेटेड इन क्वारंटीन वीक जो मिसेज इंडिया यूनिवर्स ने अरेंज किया था. दो साल हो गए पार्टिसिपेट करके, उसके बाद ही आई वॉज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द कंटेस्टेंट फाइनलिस्ट फॉर मिसेज इंडिया यूनिवर्स जो गोवा में टाइटल हुआ. आई एम द विनर ऑफ द टाइटल मिसेज इंडिया यूनिवर्स यूनिवर्सल 2020-2021. मैं अभी इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बताऊँ, आई मीन इट्स गिवन मी एवरीथिंग, नॉट जस्ट द टाइटल एंड क्राउन, इट्स गिवन मी अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली है फ्रॉम स्टार्टिंग जस्ट फ्रॉम द पोजिंग, कैमरा में पोज कैसे करना है, फैशन, बीट दैट, बेसिकली लाइक आई सेड, देव बीन लाइक अ फैमिली, देव ग्रूम्ड अस एज अ बिगर इन्फेंट्स, तो जैसे बच्चों के साथ किया जाता है, देव हैंड हेल्ड अस, देव गिवन अस अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर. एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हम लोगों को ऐसे मतलब सिखाया गया है एज इट वी आर लाइक बॉलीवुड की बात, राइट. एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. सो आई वुड बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन मिसेस इंडिया यूनिवर्स प्लेटफॉर्म जो एज ऑन टूडे सपोज टू बी साउथ कोरिया दिसंबर में होने वाला है. तो आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड होपफुली यू नो वुड मेक इंडिया प्राउड. तो हमारा सिलेक्शन गोवा में हुआ था एंड एट वेरियस टास्क जहाँ पे आई केम आउट एज मिसेस इंडिया यूनिवर्स. Lastly, what basically you do as a professional filmmaker, what is your profession? Right. So I'm self-employed by profession. I've been married for 23 years, 23 years in December. और वैसे हम लोग ओवरसीज एजुकेशन में डील करते हैं, तो मी एंड माई हस्बैंड टुगेदर आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वी सेंड स्टूडेंट्स अब्रॉड टू स्टडी. बट ये जो एक्सपीरियंस है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है. एज यू वुड नो दिस इज कम्प्लीटली ग्लैमरस फैशन काइंड ऑफ थिंग, तो हमें बिल्कुल ही इसमें कोई, आई मीन आई हैड नो एक्सपीरियंस इन दिस, तो इट फील्स एक्सट्रीम, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड यू नो आई होप टू बी मेक इंडिया प्राउड. थैंक्स. विजय, आप लोग हम लोग देखते हैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स, देख के 23 साल की शादी हो चुकी है लेकिन लगता है कि अभी तक कुंवारी है. ये है कमाल इसका. अब हम बुला रहे हैं मिसेस दुखी, आइए. अरे मुंडे जी, ये क्या मेरा नाम दीपी सिंह है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन द मिसेस इंडिया यूनिवर्स प्लेटफॉर्म अगेन. मैं अमेरिका में रहती हूँ, सो आई केम हियर फॉर दिस मिसेस इंडिया यूनिवर्स प्लेटफॉर्म. इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू यूज, आई गॉट अटैच्ड टू द टाइटल बिकॉज दे आर इनटू विमेन एम्पावरमेंट. कैश है गोलू, कैश ऑल विमेन सिंस टाइम. इट्स नॉट जस्ट अबाउट विमेन, दैट्स व्हाई आई एम हियर. So the title that I won was This is India University, but internationally I will be representing MIU in this is me. So that pageant is happening end of this month, 31st of May. It's happening in US Palm Springs, so I will be So professionally, I'm a software engineer. I'm in the finance industry. I'm with banking. I do people management, project management for them. I am a wellness coach as well. I do modeling and acting in US as well. I have been married for 16 years. I have two kids, 9 years old and 14 years old. 14 the
that's the second home, but of course my third time in India, I'm always be महिलाएं शामिल हो रही हैं तो यही इसकी सफलता का राज है। अब हम बुला रहे हैं मिसेज एसपी पंपी रॉय, प्लीज अपना नाम जैसा बढ़ावा बताइएगा थोड़ा सा, शायद सफल हो गया। आइए कम कम है मैम, स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड समथिंग अबाउट मिसेज इंडियन यूनिवर्स एंड अबाउट टू शॉर्ट। नमस्ते, मैम आपकी रॉय और तुषार से मेरी मुलाकात एक्चुअली दुबई में हुई थी। मैं दुबई से हूँ और वहीं पे मैं ऑडिशन के लिए गई थी एंड फ्रॉम देयर आई गॉट सेलेक्टेड। और उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया था, सो आई वेट फॉर 2.5 ईयर्स एंड उसके बाद मुझे इस प्रेजेंट करने का मौका मिला, मिसेस इंडिया यूनिवर्स में आने का मौका एंड देयर आई विन द क्राउन ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल। और तो हुआ भी हुआ था एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, आई ऑलवेज हैड अ गुड यू नो friendly kind of relationship with him because in work and everywhere he has been helpful and very kind and supportive in every way. I always had a good connection with all the team of him, so it was a great journey. And what about representing internationally? I mean, where are you going and what was it? Internationally, actually I got the title of Mrs. Asia and I'm going to Bulgaria, Sofia. There I got the pageant called Women of the Universe and I'm going to be present over there. So hopefully I can give the name of Tushar also. My position, I'm a chef and I stayed in Dubai for the past 22 years and have been married and gone over there only. So yeah, it's a good country and I'm enjoying it. Thank you. Namaste. Next. कहाँ कहाँ चले जाते हो तुषार धारीवाल जी, पूरी दुनिया घूम रहे हो। चलिए अब आपके सामने बुलाते हैं मिसेस जूही वर्मा भसीन। आइए नमस्ते, एंड स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड अबाउट तुषार सर एंड अबाउट मिसेस मैं यहाँ पे एज अ विनर ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इन द वुमेन ऑफ यूनिवर्स विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन अक्टूबर एंड होपफुली आई डू द बेस्ट फॉर देम। What about visiting international? Where are you going and what's happening about that? Okay, I'm going to Bulgaria and I'm really excited about that. It's like a great platform, I think, to showcase ourselves and our talents, our potentials. So thank you so much, the entire team of Mrs. India Universe, which have already given us a platform to flourish, and thank you so much. एक से एक लोग आ रहे हैं। अब आपके सामने बुला रहा हूँ मिसेस अनुपमा राव सॉरी आई एम अनुपमा राव, आई एम फ्रॉम मैसूर कर्नाटका। आई हैव बीन अवार्डेड द टाइटल मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंट्री एज मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 happening in Singapore. I'm a Bharatanatyam dancer, I'm a proud mother of a 20-year-old daughter and I work in the public sector of the organization and it's a very good opportunity for married women to showcase their talents here with such a beautiful platform and I think all women should make use of this great opportunity and it happens once in a lifetime for me. बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं लेकिन पुराने चावलों की बात ही कुछ और होती है। तो राकेश अग्रवाल जी हैं हमारे पुराने चावल, उनसे बात करिएगा। पुराना बोल दिया, बासमती बोला नहीं, ओल्ड इज गोल्ड नहीं बोला। यस राकेश सर, क्या कहना चाहेंगे मिसेस इंडियन यूनिवर्स के बारे में, तुषार सर के बारे में, और ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली मैरिड वुमेन के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है?
नया बोलना पड़ेगा ना, पुरानी डायलॉग्स से अच्छा नहीं है। ये आज जो पेजेंट हो रहा है ये मिसेज इंडिया यूनिवर्स के इंटरनेशनल विनर्स के लिए क्राउनिंग का इवेंट है, और जो हमारी 12 वुमेन्स पूरे इंडिया से सेलेक्ट होकर विनर हुई हैं, जो इंटरनेशनल जाएगी, इंडिया में वो जीत चुकी हैं, अब हिंदुस्तान से बाहर अलग अलग लोकेशन में जाएंगी, उनकी आज क्राउनिंग सेरेमनी है। और तुषार ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत अच्छे तरीके से, श्रीपाल जैन जी इसके प्रेजेंटर हैं। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं खूबसूरत महिलाओं के लिए क्राउनिंग करने के लिए। एक भी महिला नज़र नहीं आ रही है। और बोलिए, बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि शादी के बाद औरतों को लगता है और उनके आदमियों को भी लगता है कि इनकी लाइफ खत्म हो गई, सीमित हो गई, इसके आगे ये कुछ भी नहीं कर सकती है। बट मेरा मानना है कि इस प्रेजेंट में जीतने के बाद उनकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होता है, एक नई रास्ता उनको मिलता है और वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है। हमारे पीछे ही खड़े हैं, देखिए हम जितने छोटे हो गए है ही पहले से। First of all, I'll thank Sankit Productions and Tushar Dhariwal to invite me in such a beautiful event. And I wish all the contestants and the winner very, very good wishes from my end. And I'm happy to see this kind of event happening. This is a season 5, I came to know. So it's amazing. Secondly, Mrs. India Universe. So I would say, Mrs. I can see such beautiful faces. So I was first surprised to see them as a Mrs. So it's a good, good achievement and good contestant and very beautiful. They have been very well dressed and I wish them all the best. So anything else you want to ask? Thank you, sir. अच्छा ये भी सही है। आप लोग के लिए फेमस फैशन प्लीज आइए वेलकम। हम सुख गए प्रभा जी। माय जी व्हाट यू टू से अबाउट बिकॉज़ इंडियन यूनिवर्स एंड अबाउट तुषार धारीवाल। क्या कहना चाहेंगे? हां चलिए लीजिए आप। मैं स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन अबाउट मिसेस इंडिया यूनिवर्स एंड अबाउट यूनिवर्स 2022 संकेत प्रोडक्शन। दोनों साथ करें एक ही कर लें। हाँ साथ साथ रोल है चलिए प्रभात। Hello everyone, this is actress Jyoti Yadav. I have done one film with Jimmy Shergill as the lead with Bhi Se Pyar Aap Se Farar, and congratulations Tushar Dhariwal for your lovely platform and for those girls who are going to participate in this platform. And I guess it's a lovely platform and those girls like who want to show your talent for India and for also international, right? So Hi, good evening everyone. I wish you wishing the Mrs. India Universe 2022, Mr. Rakesh Sabrawal and Tushar Dhariwal. It's a great effort for Mrs. You know, who want to participate in the beauty pageant. It's a great chance for you know for them visiting Singapore and different countries, especially US. So I think एक बहुत अच्छा platform है जिसमें काफी लोगों को जिनको chance मिलेगा after lockdown, especially 2 साल जो
ऐसे घर पे बैठे निकले हैं, अब स्टेज पे बैठने का मौका मिला है. सो मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2022 ब्रिंगिंग एवरीवन ऑन स्टेज एंड दिस क्रेडिट गोज टू मिस्टर राकेश सरवाल, मिस्टर तुषार हरिवल. जगह नहीं है कुछ अच्छा पैर हटा लो. जगह नहीं है ये वीडियो तो शूट हो रहा है ना. हो रहा है तो ये वीडियो जो तुम शूट कर दिया तो जल्दी से चलने दीजिए. ये तो काम हो रहा है यहाँ पे तो चल रहा है. सो आई थिंक एवरीवन समय में आ गया. गुड लक एवरीवन स्पेशली ऑर्गेनाइजर स्पॉन्सर एंड समथिंग प्रोडक्शन Mrs. India Universe 2022. All the best of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Today we are at the crowning of Mrs. India. So out of all the 40 women, those who were selected throughout here, six of them, the best one have been chosen and they all have been sent to the international platform. So we are very excited for this event to start. Yes, and today they'll be crowned. This show is presented by Mr. Tushar Dhariwal and Shripal Jain. We are here just to congratulate and we crown it from the winners. Prabhat. About yourself, about your professional career. Yeah, yeah. सामने खड़ी है इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? खूबसूरत लड़की का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता. उस बार इंडिया से सवाल इंट्रोडक्शन होगी सर. हम शो की बात करें ना अच्छा रहेगा. एग्जैक्टली. देखिए जो लोग थोड़े नॉन रहते हैं ना उनको ऐसे पूछते नहीं कभी कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए. आप गूगल पे जाके मेरा नाम सर्च कर लीजिए आपको सब पता चल जाएगा. अब वही छापोगे आप. इससे अच्छा है फोटो इज द इंट्रोडक्शन. थैंक यू. थैंक यू. अभी तो जरा अवेलेबल है बहुत प्रवाल. सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन छः कंटेस्टेंट को जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करने जा रही है. शुभकामनाएं धन्यवाद. पूछ रही हूँ कितना बेहतरीन इवेंट जो हुआ आज. और मेरी फिल्म में जा रही है सताई मारती लव इन यूक्रेन. तो आशा करता हूँ आप सब देखने जाएंगे. ट्रेलर आज लॉन्च हो चुका है तो आप सब उसे भी देखिए और अपना प्यार दीजिए. थैंक यू. बाइक के साथ ट्रेलर अटैच करिए सर. एक फोटो भी वो ले लेगा.